मसीह यसु के बाबरकत कादर और कवि नाम में पास्टर मकसूद गिर की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री को, उसके तमाम अराकीन को, तमाम कलीसियाओं को, मुकद्दस महफल और उसके तमाम मेंबरान को, जितने भी उसमें जमा होते हैं उन सब को, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ रोज़ाना की तरह मैं खुदा की ज़िंदगी बस कलाम में से चंद आयात आपके लिए पढ़ूँगा। तो आज का टॉपिक है गुनाह से बचने की ज़रूरत है। देखें मेरे अजीज़ो, जब से खुदा ने इंसान को खलक किया, गुनाह दुनिया में आया, तब से ही खुदा जो है वो इस बात में है कि इंसान गुनाह से बचे। तो हम कोशिश करेंगे तो हम गुनाह से बच सकते हैं। सो इसलिए आइए मेरे अजीज़ों, मैं खुदा के ज़िंदगी और कलामे से हिज़कीएल की किताब उसका 18 बाब और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ूँगा। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता, जब बेटे ने वही जो जायज़ और रवा है किया और मेरे सब आयन को हिफज करके उन पर अमल किया, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। सादक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजो, हम सब ये बात जानते हैं कि कोई एक दूसरे के गुनाह की खातर नहीं मर सकता। यानी जो जान गुनाह करती है वही मरती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। बल्कि अगर पैदाइश में हम पढ़ें तो मूसा से खुदा ये बात कहता है कि ये पहली पुश्त, दूसरी, तीसरी, चौथी पुश्त तक मैं बदला लूँगा। यानी जो गुनाह की सज़ा, गुनाह की मजदूरी है वो हमें मिलेगी। इसलिए उस मौत से बचने के लिए हमें गुनाह से बचने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, और सादक जो है वो अच्छे काम करके अपनी सदाकत में बचेगा, और शरीर जो है वो शरारत करके, बुरे काम करके वो उसमें मरेगा। सो इन सब बातों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया ही इसलिए। आप देखते हैं कि यीशु मसीह पर कोई, जो भी उसका ज़मीनी ज़िंदगी थी, कोई उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका। वो बेगुनाह था, वो बेऐब बर्रा था, और उसने हमारी खातर, हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, हमारी खातर अपनी जान कुर्बान की। यही तो वजह है कि अब जो जितने मसीही लोग हैं अब वो कुर्बानी नहीं देते। मसीह से पहले वो भी कुर्बानियाँ देते थे, पुराने अहदनामा भरा पड़ा है, लेकिन जब से मसीह आया वो नया अहद बांधा गया, और उस अहद में यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। इसलिए हमें अब कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। हम यीशु पर ईमान रखकर, यीशु की कलाम पर अमल करके हम बच सकते हैं। तो मेरे अजीजो, खुदा के कलाम में बहुत सारी जगह पे ये लिखा गया है
कि जैसे हम गुनाह से बचने की हमें ज़रूरत है, और जब हम कोशिश करेंगे, जब हम गुनाह से बचेंगे तो खुदा हमें नेमत व बरकत से मालामाल करके, बल्कि वो हिस्सा, वो मिरास जो यीशु मसीह हमारे लिए कहते हैं वो हमें मिलेगी। तो मैं एक और इसी खुदा के कलाम से पढ़ना चाहूँगा, ये लूका 13:3 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। वो कलाम में लिखा है शुरुख का जो किला था, तो उसके नीचे कितने आदमी आकर मर गए। तो खुदावंद ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे, देखें गुनाह से बचने की लिए हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो फिर हम गुनाह से बच सकते हैं। सो मेरे अजीजों, इसलिए गुनाह से बचने के लिए हमें कोशिश करनी है, गुनाह से बचने की हमें ज़रूरत है। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, इससे पहले भी मैंने एक दिन ये हवाला पढ़ा था, कलाम दिया था कि खुदा जो है उसने इस्तिशन की किताब में 11:26 में लिखता है, खुदावंद ये कहता है कि मैं आज के दिन तुम्हारे सामने बरकत और लानत रखे देता हूँ। बरकत इस तरीके से कि जब तुम उसके बताए हुए हुक्मों पर अमल करोगे, और लानत इस तरह से कि जब तुम खुदा के बताए हुए हुक्मों को ना मानोगे, ना फरमानी करोगे, हुक्म अदूली करोगे, उसके हुक्मों को नहीं मानोगे, तो फिर तुम पर लानत आएगी। तो इसी तरह हमें ज़रूरत है गुनाह से बचने की। जब हम कोशिश करते हैं, खुदा के हुक्म पर अमल करते हैं, तो हम ज़रूर बचाए जाएंगे। और यीशु मसीह ने हमारा ये बोझ, बहुत बोझ हल्का कर दिया कि हमें उस पर ईमान लाने की ज़रूरत है। और खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही है कि जो कोई, अब वो नस्ल इंसानी से कह रहा है, ये नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन कौम को कह रहा है, मसीह कौम को कह रहा है, नहीं, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आइए मैं इमसाल 28:13 आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिए, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। यही बात खुदा यीशु मसीह अंजील में कहते हैं, और यीशु मसीह की मुनादी ही ये थी। वो खुदा कहते थे कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। सो इससे पहले कल मैंने कलाम किया, बताया कि हम खुदा से छुप नहीं सकते, और अभी ये मिसाल की किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा है कि वो अपने गुनाहों को, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। यानी दुनिया से हम छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। इसलिए मेरे चीज़ें हो, आओ हम तौबा करें, खुदा के हुक्मों को मानें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें, ताकि हम वो हमेशा की ज़िंदगी जो यीशु मसीह देने के लिए जहां में आया और उसने ऐलान किया है, और वो कहता है
कि जो कि मुझ पर ईमान ले तो ईमान लाकर हम बच सकते हैं, ईमान लाकर हम गुनाह से बच सकते हैं। इसलिए आइए ईमान लाइए। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, और जब हम ईमान लाते हैं, तवक्कल करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो खुदा हमारी तमाम इल्तिजा मुनाजातों को पूरा करता है। मैं एक आयत और पढ़ना चाहूँगा, ये पुराने आदमी ने योएल नबी का सिफा 2:12-13 आयत है, में यूँ लिखा है, ये हमें गुनाह से बचने की ज़रूरत है और हम इस तरह बच सकते हैं। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरियाजारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ये हो नहीं सकता कि हम उससे तौबा करके उसकी तरफ रजू लाएं तो वो हमारी बात ना माने। मेरे अजीजो, वो तो हर वक्त ये चाहता है, मेरा गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों का इकरार करके मेरी तरफ रजू करे, मेरी तरफ आए, तो मैं उसे बख्श दूंगा। और उसने दुनिया में आकर ऐसा ही किया है। हमारे गुनाहों की खातर वो सूली पे चढ़ा, हमारे गुनाहों की खातर हमारा उसने बोझ उठाया, और उसने हमारे गुनाहों को हमारी पीठ पीछे फेंक दिया, इतनी दूर फेंका जैसे पूर्व से पश्चिम है। सो मेरे जीजो, तौबा की ज़रूरत है, ईमान लाने की ज़रूरत है। जब आप तौबा करेंगे, ईमान लाएंगे, तो गुनाह से हम बच सकते हैं। आइए आज अहद करें, खुदा के आगे झुकें और तौबा करके ईमान लाकर उसके आगे झुक जाएं, उसके आगे अपने आप को सरेंडर करें, उससे मांगें, तौबा करें। खुदा ज़रूर हमें नियमत वक्त से मारा माल करेगा, और इसके साथ साथ वो हमारे गुनाहों का बोझ भी उठाता है। सो मेरे अजीजो, ज़रूरत है। मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है, देखे सुने, ये खुदा हमें रहनुमाई करता है, खुदा हमारे साथ है। सुने, कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ और कहो, हमारी तमाम बदकरदारी को दूर कर और फजल से हमको कबूल फरमा। हालेलुया। देख, खुदावंद तो किस तरीके से हमें गुनाह से बचाने की कोशिश करता है। ये अब हम पे है, रजू हमने लाना है, तौबा हमने करनी है, ईमान हमने लाना है। सो मेरे अजीजो, आइए जो भी मेरी इस आवाज़ को सुने, तौबा करें, ईमान लाएं, खुदा के आगे झुकें। और हमारा खुदा कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। मैं यहाँ छोटी सी खुदा के कलाम की बात करना चाहूँगा, कि आप सब जानते हैं कि अंजील में, खुदा के कलाम में ज़कई का ज़िक्र है। ज़कई मसूल लेने वाला था, उसका कद बहुत छोटा था, तो उसने दिल में ख्वाहिश की कि मैं यीशु को देखूं। सो मेरे अजीजो, उसने देखा कि वो इस राह से जाने को है, और वो भागकर दरख्त पे चढ़ गया कि मैं यीशु को देखूं। उसने अभी दिल में ख्वाहिश की है, तो यीशु आकर उस दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। आए ज़कई, नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। और ज़कई खुशी से नीचे उतरा, उसे अपने घर में उतार लिया,
और जब वो घर गया तो उसने अपनी तिजोरी का मुंह खोला और आधी दौलत उसने गरीबों को बांट दी और खुदा के सामने इकरार किया। कहने लगा, अगर मैंने किसी का जितना कुछ लिया है मैं चौगुना अदा करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। मेरे यीशु, जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है वहाँ निजात आ जाती है, वो जिंदगी बदल जाती है। जिस घर में यीशु आ जाता है उस घर में निजात आ जाती है। यही तो बात है, यीशु मसीह ने कहा है कि तू इकरार कर, तू तौबा कर, तू निजात पाएगा, तू ना बल्कि तेरा घराना निजात पाएगा। कितनी बड़ी बात है। सो मेरे यीशु, अजाब से बचने के लिए आइए हम खुदा के आगे झुके, तौबा करें। खुदा तो हाथ फैलाए खड़ा है, उसने तो सूली पे चढ़कर उसने कहा, आए गुनाहगार तू कहाँ है, देख मैंने तेरे गुनाहों का बोझ उठाया, मैंने तेरे गुनाहों का फिदा दिया। हम खरीदे हुए हैं, आइए हम खुदा के आगे झुके, तौबा करें ताकि हम गुनाह से बच सकें और खुदा की बादशाही में जा सके। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो, आप हमेशा खुश रहें। आइए मैं आपके लिए खुदा का खादम होते हुए दुआ करता हूँ। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, कुल कायनात के खालिक और मालिक मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी इंकसारी से तेरे कदमों में सजदा रेज हूँ। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए, ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त है। तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ है। तू मेरा जिंदा खुदा है, मेरे खुदा रहम कर। देख दुनिया में रहते हुए इंसान पर दुख मुसीबत आ जाती, मैं अपने तमाम अजीज़ों के लिए जो जो आवाज़ सुने दुआ करता हूँ, खुदावन वो तेरी तरफ रजू लाए, वो तौबा करें और तेरे नाम को जलाल दें, और वो हिस्सा, वो जो तू हमारे लिए बादशाही तैयार की है, हम तेरी बादशाही में जा सकें। आए खुदावन खुदा, तेरा फरमान, तूने फरमाया जो कोई मुझ पर ईमान